हेलो गाइस, मैं बिलाल और आप लोग देख रहे हैं कैन माई फैक्ट चैनल। आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम डोरेमोन के कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। टॉप 10 फैक्ट्स आप हम जानेंगे डोरेमोन के। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नोबिता को सोने में कितना टाइम लगता है, डोरेमोन नोबिता और शिजुका के नाम का क्या मतलब है, डोरेमोन की रियल एज क्या है, और हम जानेंगे कि डोरेमोन को किस जगहों ने बैन कर रखा है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो गाइस, नोबिता को तो आप सबको पता ही होगा, नोबिता को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है और नोबिता वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है डोरेमोन का, मतलब डोरेमोन का फुली मेन ही कैरेक्टर है नोबिता। तो अभी बात करते हैं उसको सोने में कितना टाइम लगता है। उसको सोना बहुत पसंद है, उसको सोने में सिर्फ 0.93 सेकंड लगते हैं। जी हाँ गाइस, नोबिता बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाता है, 1 सेकंड से ही पहले सो जाता है, जो कि बड़ा अजीब है, लेकिन नोबिता को सोना इतना पसंद है कि वो 0.93 सेकंड में ही सो जाता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो हैं जापान वगैरह, उसमें जो हैं अंदर एंटर होने से पहले जूते उतारते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब वो सारे मिलके जियान के घर में भी जाते हैं, एक जगह स्पेशली बनी होती है हर घर में जापान के, कि वहाँ पे जूते उतार के सारे अंदर जाते हैं। लेकिन आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होगा कि जो डोरेमोन है उसके पैर तो, मतलब उसने जूती नहीं पहनी होती, वो तो सारी गंदगी बाहर के अंदर ही ले आता होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने नोट किया होगा तो डोरेमोन के पैर थोड़े थोड़े हवा में फ्लोट करते हैं। जी हाँ गाइस, इसका प्रूफ ये है कि एक एपिसोड में सुनियो या जियान में से किसी ने उसको गिराने के लिए केले का छिलका रखा था और डोरेमोन उससे नहीं फिसला। इससे साबित होता है कि डोरेमोन बिना कॉम्पिटेटर बैम्बू कॉप्टर के भी हवा में फ्लोट कर सकता है, बल्कि करता ही रहता है। पर गाइस, डोरेमोन का जो डिज़ाइन है और वगैरह सबका आइडिया क्रिएटर्स को आया कैसे, तो एक दिन हुआ यह था, जो डोरेमोन के क्रिएटर्स हैं वो बैठ के अपनी अगली मांगा के लिए कुछ सोच रहे थे कि क्या करना है। तो उनको तभी सीढ़ियों पर बैठी एक जंगली बिल्ली मिली, तो उन्हें वहाँ से आइडिया मिला। तो उन्होंने गोंग की गोल शेप और डर्मा डॉल के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया और डोरेमोन क्रिएट कर दिया। इसी वजह से डोरेमोन की शेप बाकी सारी कैट से अलग है। तो गाइस, डोरेमोन के नाम के नाम जानने के बाद अभी हम बात करते हैं नोबिता और शिजुका के नाम की। तो गाइस, जो नोबिता का नाम है वो है डोरेमोन के नाम का मतलब जानने के बाद अभी हम नोबिता और शिजुका के नाम का बात करते हैं। तो गाइस, नोबिता का जो नाम है उसका मतलब है गॉड का गिफ्ट, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वो और स्ट्रांग और मेंटली भी अच्छा होता रहेगा। वहीं शिजुका की बात करें तो खुशबू वगैरह, फूल वूल, उन सबसे उसका कनेक्शन है। ज़्यादातर लोगों ने डोरेमोन को सिर्फ एनीमे और मांगा वगैरह इन सब में देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मांगा में इसकी 3 सीरीज और हैं डोरेमोन, जिसमें डोरेमोन को छोड़ के उसके 7 और रोबोट्स होते हैं। सेकेंड है डोरेमोन बेस, जिसमें डोरेमोन जो है वो मतलब बेस बनाते हैं सारे। और थर्ड है डोरेमोन लॉन्ग स्टोरीज, जिसकी कई वॉल्यूम्स पे मूवी बन चुकी है। 2016 में इंडिया और पाकिस्तान में डोरेमोन को बैन करने की मांग भी की गई थी। रीज़न है इस शो का मेन कैरेक्टर नोबिता, जो कि आलसी है, रोंदू है, कमज़ोर है, पढ़ाई में भी बकवास है और डरता रहता है। इसे देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्कूल्स और घरों में मिसबिहेव भी कर रहे हैं। चाइना को तो लगता था कि जैपनीज प्रोपेगेंडा का पार्ट है, जिससे वो हमारी कंट्री की यूथ और चाइनीज गवर्नमेंट और वगैरह के खिलाफ भड़का सकता है। इसलिए फ्रांस में डोरेमोन को बैन करने का कहा था, क्योंकि इसलिए क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक वेबसाइट के हिसाब से तो बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन उसके हिसाब से कि एक जो जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पे डोरेमोन देखते हुए जिसको पकड़ लिया उसको 12 साल की जेल हो जाएगी, और दोबारा अगर आप पकड़े गए तो पूरी ज़िंदगी आपको जेल में बितानी पड़ सकती है। मतलब डोरेमोन लवर्स को तो यार वहाँ पे मना है डोरेमोन देखना, बेचारे कैसे जीते होंगे। ऐसे टोटल 50 से ज़्यादा जो हैं देशों में डोरेमोन बैन हो चुका है टाइम टाइम पर, जिनमें से कुछ ने बैन हटा दिया, कुछ ने नहीं हटाया, और कुछ अभी बैन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल इंडिया में नहीं हो रहा तो मज़े करो। तो डोरेमोन कैरेक्टर की बात करें तो डोरेमोन का पूरा नाम है MS903 डोरेमोन, जिसे नोबिता के ग्रेट ग्रैंड जो है ग्रैंडफादर सेवाशी ने 21st सेंचुरी में भेजा है नोबिता की हेल्प करने के लिए। डोरेमोन का ओरिजिनल कलर, ओरिजिनली मतलब पहले डोरेमोन का कलर येलो था, पर चूहे के काटने की वजह से वो ब्लू हो गया, और डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उसने जब डिप्रेशन में था वो, तो उसको अब वो पता नहीं कौन सी बॉटल, हैप्पी बॉटल की जगह उसने और सैड वाली पी ली, जिससे डिप्रेशन से उसका कलर ब्लू हो गया। नोबिता फ्यूचर में प्रोफेसर बनेगा और शिजुका से शादी कर लेगा, थैंक्स टू डोरेमोन। जियान का असली नाम है टाकेशी गौडा, और वो आगे जाके एक बिजनेसमैन बनेगा, डेकी सुकी फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनेगा, और सुनियो वो तो कुछ भी नहीं बनेगा, बस अपने डैड का बिजनेस संभालेगा एज यूजुअल।
डोरेमोन जापान में हम तक की उम्मीद से भी ज्यादा पॉपुलर है। 2002 में इसे जापान ने एशियन हीरो का नाम भी दिया था। टोटल 22 एशियन हीरोज में से डोरेमोन एक था। 2008 में द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसको एनिमे कल्चरल एम्बेसडर अपॉइंट किया था। और डोरेमोन बहुत पुराना है, इतना कि उसको म्यूजियम में रखना चाहिए। ओ हाँ, म्यूजियम से याद आया कि जो डोरेमोन का म्यूजियम है वो जापान में उसकी पॉपुलैरिटी देख के खोला गया था, जिसका नाम था फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम, जिसमें डोरेमोन के बहुत सारे खिलौने से थे। और जो आपने एक एपिसोड में देखा होगा, तो जियान एक टब में गिर जाता है, उस टब में से वो लड़की निकलती है जो कि आपको बड़ी और छोटी चीज़ देती है, आप छोटी है तो आपकी है वो बढ़ने में बड़ी देती है। वैसा ही वहाँ पे भी एक है, उसमें आप लीवर खींचते हो तो जियान ऊपर आता है और फिर से नीचे जाता है खूबसूरत वाला। तो आप लोग सोच सकते हो म्यूजियम कितना सारा कमाल का है जापान में डोरेमोन का। और वहाँ पे बहुत से ऐसे अट्रैक्शन हैं जो इसके फैंस को वहाँ निकलने मजबूर कर ही देंगे। डोरेमोन की एज की बात करें तो जब वो नोबिता के पास आया था वो 10 साल का था, ऐसा मांगा और एनिमे में दिखा रखा है। लेकिन अगर हम खुद को कैलकुलेट करें इसकी एज, तो इसकी जो बर्थडे आती है वो है 3 सितंबर 2112 है। डोरेमोन की मांगा 8 अगस्त 1969 को सबसे पहले आई थी। तो अगर हम एज्यूम करें कि डोरेमोन नोबिता के पास 1970 में आया था, इसका मतलब डोरेमोन अभी अच्छा खासा बुढ़ा हो चुका है 50 साल का। लेकिन वो रोबोट है इसलिए उसकी एज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे वो 50 साल का है। तो गाइस, अब आती है डोरेमोन क्विज, जिसमें आपसे 3 सवाल पूछूंगा जो इसी वीडियो में मैंने बताए हैं। आप अभी जो मैं सवाल पूछूंगा पॉज करके कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने वीडियो पूरा ढंग से देखा है तो आपका जवाब जरूर बताऊंगे। और सही जवाब देने वाले वैसे कोई कमेंट तो नहीं करेगा, लेकिन अगर दे दिया तो अगले वीडियो में उसको शाउट आउट दूंगा। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि डोरेमोन को कितने कंट्रीज ने बैन कर रखा है टाइम टाइम पे। दूसरा सवाल, नोबिता बड़े होके क्या बनेगा। और तीसरा सवाल कि डोरेमोन क्यों बैन किया गया। तो इन सब के क्वेश्चन में से कोई भी एक आप कमेंट में मुझे बता दो। तीनों बता दिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक आप बेशक बता दो। तो आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।